फॉर्च्यूनर लग रही है ये देखने, अच्छा मॉडिफाई किया ना आपने, देखी है कभी ये पहले गाड़ी? नहीं नहीं, इसके लिए तो सर हम लोग रेट लगा निकाल रहे थे, लेकिन समझ नहीं आया कौन सी गाड़ी है कौन सी, बाद में पता चला टायर से पता चला कि मॉडिफाइड करा, मॉडिफाइड गाड़ी है। हाँ एयरपोर्ट के इतने पास है ना, हाँ ये ATC टावर है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर सामने दिख रहा है। कल रात में तो मैं इनसे बात बात भी कर रहा था, यहाँ पे एक भाई था, अभी अंदर लाइट जल रहा था ना तो पूरा दिख रहा था मेरे को। मज़ेदार भाई। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ गला देख रहे हो, सुबह यहाँ मैंने ना ब्रेकफास्ट के साथ रूम बुक किया था, वैसे रूम टूर नहीं दिया ना। देखो भाई ये बड़ा सा अपना विंडो है जहाँ पे एक बैठने का अरेंजमेंट, एक काम करने का अरेंजमेंट, जहाँ मेरा वो रखा है, लेकिन लैपटॉप नहीं है तो क्या काम घंटा करूँगा। बाकी यहाँ पे अकेले आप बैठ सकते हो, पैर फैला सकते हो। टीवी यहाँ पे लगा हुआ है, टीवी इधर से कैसे इधर देखेंगे आप ये सोचो। नहीं, टीवी देखने के लिए आइडियली आपको यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि टीवी के सामने, तो इस चेयर का अरेंजमेंट इस साइड देखने का है, टीवी का अरेंजमेंट उधर है, इसका अरेंजमेंट सीधा है, इसका अरेंजमेंट सीधा है, तो टीवी कैसे देखेगा? मैं टीवी देखता नहीं। बाकी रूम बहुत कंफर्टेबल है, बेड बहुत कंफर्टेबल है, रूम क्या कंफर्टेबल होगा, बेड कंफर्टेबल है भाई। ऐसा इतना बड़ा सा रूम है ताज का, बट द बेस्ट पार्ट ये यहाँ से हम घुसते हैं, जैसे वो कहानी घर घर की में नहीं था, ऐसे घुसा और देखो इतना बड़ा सा मिरर। हाँ इतना बड़ा सा मिरर, ये मिरर बहुत बड़ा है, इसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे कुछ फूल पत्तियाँ हैं, ठीक है, और ये हाँ मुझे लगा कि ये एक्चुअली गुलाब के पेटल्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, ताज में अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पे अपना एक बैग पड़ा हुआ है जिससे मैंने अभी कपड़े निकालने हैं। यहाँ पे एक हमारा ये है वार्डरोब है जिसमें मेरे पास कपड़े तो है नहीं। यहाँ पे एक सेफ दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक बड़ा सा मिरर है, मतलब ये बेसिकली ड्रेसिंग टेबल है। मिरर ही मिरर लगा है भाई, मिरर ही मिरर लगा है, एक ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। और ये देखो वॉशरूम, कितना बड़ा वॉशरूम यार। अच्छा वॉशरूम के दरवाज़ों में भी मिरर है, बहुत सारे मिरर इस पूरे कमरे में, इतने सारे मिरर है ना कि जहाँ भी जाओगे आप अपने आप को ही पाओगे, ठीक है। ये अपना स्नान घर, नहीं स्नान घर वो है बेदिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना, अगर आप बाय द वे यहाँ पे भी आप इंजॉय करना चाहो तो रिमोट है, ठीक है, पानी में नहीं गिरा सकते बस आप। और ये सामने आप टीवी देख सकते हो, ये बाथटब, और ये हाँ अनदर बिग मिरर। यहाँ पे अपना काम क्रिया करोगे आप, और उसके बाद जेट लगा हुआ है, जेट भी अच्छा सा है, पीछे से फुहारा मारता है, आपको हाथ लगाने की आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना हाथ लगाए फील नहीं आता कि छूट ना गया। चलो भाई भाई सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, मैंने पूड़ी भाजी मंगवाई है। अभी बाहर जाऊंगा थोड़ा रेडी वेडी होके, मस्त पहले पूड़ी भाजी एंड मस्त सी कॉफी यार। ओए हाय भाई, कुछ भी हो जाए कल ब्रेकफास्ट मिस नहीं करूंगा। अभी फिलहाल एक गेड़ी मारने जा रहे हैं। हाँ आज मैं निकला ही नहीं कहीं यार, पूरे दिन मैं सोता रहा एंड अभी जाते हैं, निकलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। वड़ा पाव खाना है एक्चुअली, मेरे को बहुत मन कर रहा था, मैंने होटल वाले से पूछा, उनके पास था लेकिन फैंसी वाला था, मेरे को फैंसी नहीं खाना भाई, मेरे को रोड साइड वाला खाना है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। मैंने अपना ना टैग जो भैया ने मुझे दिया था वो घुमा दिया, फिर मैंने गाड़ी की फ़ोटोग्राफ दिखाई, अपना ID प्रूफ दिया, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी किसी और को तो नहीं दे सकते ना, तो ये तो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी अभी मैंने इनसे पूछा है कि वड़ा पाव कहाँ मिलेगा, तो वड़ा पाव तो कह रहे कि भाई अभी इस टाइम पे आप निकलोगे तो आप तो फंस जाओगे। मैंने कहा अच्छा ये भी बात सही है, तो अभी क्या है ना कि देखते हैं यार अभी क्या करेंगे। अरे यार फ़ोन गंदा है, हाँ अभी क्लियर है। तो अभी गाड़ी मंगवाई है और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं क्या करते हैं। अच्छा यार ये होटल अच्छा है एंड एयरपोर्ट के पास है ना, तो वाइब भी अच्छी है, बट यही है कि यहाँ से जाए कहाँ। छोटी बहन ऑफिस बैग लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है जी, पता है मुझे ऑफिस बैग लेके नहीं निकला, यहाँ से बाहर निकलते हैं। 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से जो भैया ने बताया, और
शाम के टाइम पे मुंबई से निकलना, मतलब भाई साहब। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, वैसे भी घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रहा था भाई। मुंबई में निकलते के साथ मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यार, और लोगों का जो क्रेजी रिएक्शन आ रहा है ना, मतलब गाड़ी को देख के भाई साहब क्रेजी रिएक्शन। जिस भी सिग्नल पे ऐसे रुक रहे ना, एक और भाई शायद आया अभी, वो भाई बहुत टाइम। हाँ जी सर, अगर आपको पार्ला में घूमना भाई, वैसे तो ये ऑथेंटिक वड़ा पाव नहीं है, ठीक है, ये बर्गर टाइप का बीच में लगा हुआ है, वड़ा पाव ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, एटलीस्ट जो वड़ा पाव वाज ओके, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, बट मेरे को वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिला भाई। मुंबई का वड़ा पाव का ना टेस्ट मेरे जबान पे बैठा हुआ है। बाकी ठीक है, अभी अपन ने डाला है सी लिंक, ठीक है, 28 मिनट। इस टाइम पे मुंबई में निकलना ना, माय गॉड भाई, बहुत गंदा ट्रैफिक होता है। वैसे अपने को तो ना ये रोड सीधा पकड़ना है, मतलब इसके बाद ना कहीं पे मुड़ना नहीं है, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हमारे फ्रेंड तो ऐसे रोड पे सबसे ऐसे दोस्ती करते, चलो मस्त, ठीक है, अभी सही है। अभी ये बस निकल जाए यहाँ से, अपना सिग्नल हो, यहाँ तो मैं सिग्नल भी ब्रेक नहीं कर सकता ना। ओ भाई ये रोड के उस साइड देख रहे हो, ओ भाई लैंटर लग गए भाई, लैंटर लग गए, फ्लाइट तोड़ गई, हमारे लैंटर लग गए। क्या गंदा ट्रैफिक है पीछे से यार। चलो अब तो ओखली में सर डाल लिया है, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। ये देखो सामने वाले रोड पे दिख रहा है, अभी तो आपको क्लियर दिख रहा होगा यार, भयंकर ट्रैफिक। मतलब मैं जैसे खुशी से जा रहा हूँ ना कि हाँ मेरे रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, और सामने ओ भाई मैंने तो होटल का डिस्टेंस वापस लगा लिया भाई। मैंने होटल का डिस्टेंस वापस लगा, मैंने कहा नहीं घूमना, जाना ही नहीं है उधर इस टाइम पे। रात में निकलूंगा 2-3 बजे, कल रात में आया था कितना खाली लग रहा था, रात में निकलूंगा सही लगेगा भाई, अभी जाना ही नहीं है। इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते के साथ यू टर्न भाई, डरावना सीन है यहाँ पे, सच्ची बता रहा हूँ। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का नाम रख के ना वेस्टर्न गली रोड ऐसा रख देना चाहिए भाई। इतने चौड़े होने के बावजूद भी इतनी गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है ना कि गली का रोड है भाई। मेरे अगल बगल, हेलो भैया कैसे देख रहे हैं भाई, ऐसे मैंने देखा उनकी तरफ, ऐसे एकदम घूर के देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे भाई। मतलब सीरियसली देखो, 4 लेन इस साइड, 4 लेन उस साइड, तब भी साला अभी तो फिर भी चल रहे हैं यार। बीच में तो इतनी देर तक मैं खड़ा हुआ था एक जगह पे, और अभी भी होटल नहीं पहुंचा हूँ। 10 मिनट दिखा रहा है 2.4 किलोमीटर के लिए। बहुत अच्छा है ये, इसका मतलब मुंबई हैज फास्ट रनिंग ट्रैफिक भाई। ये ट्रैफिक नहीं कहते, मैंने यहाँ पे फेस किया है भाई। कैसे मुंबई, हैट्स ऑफ टू मुंबईकर्स यार, मतलब कैसे मैनेज करते हैं भाई। मतलब दिल्ली में भी ट्रैफिक लगता है, देखो लगता है, बिल्कुल लगता है, इतना नहीं लगता जितना यहाँ पे है ना, उतना नहीं लगता। मैं तो एक साइड में हूँ भाई, बच के एक साइड से दीवार बचा रही है, क्योंकि भाई गाड़ियाँ देखो कोई इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं कर रहा, क्योंकि जगह ही नहीं है। लेफ्ट राइट करने के लिए तो जगह चाहिए ना, आपके पास जगह ही नहीं। देखो बीच बीच में स्पीड कम होती है, ये अंडर बेली कैमरा है तो वो दिखा देता है कि भैया रोड की क्या कंडीशन है। बाकी ठीक है यार, अभी वापस चलते सीधे एयरपोर्ट वाले एरिया पे तो आ गए हैं। घड़ी इसमें डीजल कम होता रहता है ना, तो मैंने सोचा यहाँ 4,000 का तो डलवा ही लें, ठीक है। लास्ट डलवाया था कहाँ पे, वडोदरा से जब निकला था तब डलवाया था, तो 40 लीटर के आसपास आया, 43.41, ये 4,000, थैंक यू 43। आप गिल लो भैया। भाई फिलहाल बज रहा है 10:14, और अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, हाँ, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द डिनर टाइम। और जब यहाँ पे आओ तो वड़ा पाव और बड़े मियाँ का खाना जरूर खाना, बड़े मियाँ का खाना चूक ना जाना, ऐसे लिखा रहता है ना हाईवे पे कि भाई यहाँ का खाना चूक ना जाना। तो अपन फिलहाल अभी निकल रहे हैं बड़े मियाँ की तरफ, और मैंने विपुल, मतलब जिसकी शादी में मैं आया था ना लास्ट टाइम, तो उसको फ़ोन किया था, तो अभी विपुल फ्री है, मैंने कहा लोकेशन भेज भाई, मैं भी फ्री हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा बैठ के सिर्फ बेड तोड़ रहा हूँ और सो रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो अभी जा रहे हैं उसके साथ, विपुल के साथ, और बड़े मियाँ डिनर करने भाई। अच्छा चाबी तो वाले में ना, अरे मैं भी कभी कभी क्या ही करता हूँ ना यार। चलो चलते हैं, दरवाज़ा बंद करो और सीधे यहाँ से भाग लेते हैं। वैसे तो मैंने ना सबको फ़ोन किया, जितने लोग यहाँ पे ना मुंबई में, मैं इतना पक रहा था ना भाई, मैं निकला ही नहीं, सो गया। मैंने कहा पकने से अच्छा सो जाओ। मैंने बहुत लोगों को, विपुल को फ़ोन किया, मेरा एक दोस्त है उसको फ़ोन किया, जिसका उदय को फ़ोन किया, मैरिन को फ़ोन किया, सब लोग, आज मंडे है ना यार, तो सब लोग ऑक्यूपाइड है। मैं फिर निकला अकेले, फिर मैं देख के हालत, मैंने कहा भैया ना
ना हो पाई, हमसे ना हो पाई। सीलिंग घूमना है मुझे, सीलिंग। यहाँ जो बेस्ट टाइम है ना निकलने का, वो 10 बजे के बाद या सुबह 5 बजे से पहले। भाई 10 से 5 का जो टाइम है ना भाई, आप एक्चुअल मुंबई एंजॉय कर सकते हो। मतलब दिन के टाइम पे तो भाई, एक तो गर्मी क्योंकि कोस्टल है ना तो आपको गर्मी लगेगी, दूसरा भाई कहीं निकल ही नहीं पाओगे। गर्मी लगने के लिए तो आपको रोड पे निकलना पड़ेगा ना। आप जब रोड पे ट्रैफिक देखो ना, आपको निकलने का मन ही नहीं करेगा। मैं ये ट्रैफिक को लेके क्रिप इतना कर क्यों रहा हूँ भाई, क्योंकि आदत नहीं है, आदत नहीं है ना। गुड़गांव में 2 किलोमीटर पे ऑफिस, तुरंत घर, गोल्फ कोर्स रोड, मस्त चौड़े रोड, तुरंत निकले जयपुर घूम लिए स्कीमा, तुरंत निकले चंडीगढ़ घूम लिए स्कीमा। तो अभी बेसिकली अपने जा रहे हैं लोअर परेल, या शायद यहीं पे जा रहे हैं। आज अपने को ना मॉल भी जाना था, मैंने सोचा था कि दिन में मॉल भी जाऊंगा और ना कल के इवेंट के लिए ना कुछ कपड़े अगर लेने होते ना तो ले लेता, एक जैकेट ले लूंगा, बस यही करूंगा और इसके अलावा क्या ही करूंगा। तो ये क्योंकि ना मेरे पास कपड़े नहीं है यार, या तो फिर कल इवेंट में जाऊंगा ही नहीं। होटल चेक इन करके ऐसा कह दूंगा कि मेरी तबीयत खराब है नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। बट हाँ, मतलब कपड़े नहीं है यार, कपड़े मैं उस हिसाब से लेके ही नहीं आया कि इवेंट, जबकि मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। ये पूरा प्लान बना इस इवेंट के अराउंड के, जो भी 2-3 काम है ना, इतने दूर आ रहे हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज मैं होली वोली के बाद निकलता फिर सीधे यहाँ से गोवा, गर्मी इंजॉय करने, क्योंकि गोवा में भी इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है। भाई मुंबई के रोड्स ना बहुत भूल भुलैया हैं यार, या तो जीपीएस साला शॉर्टेस्ट रूट के चक्कर में ना गली कूचे में घुसाता रहता है। अब देखो बताओ, ये ना लोअर परेल लग रहा है, ये ऊपर शायद मेट्रो वेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या चल रही है इस पे मेट्रो, पता नहीं भाई, कंटिन्यूस काम चल ही रहा है भाई। हाँ, ऐसा लग रहा है ना दिल्ली में जब मेट्रो बन रही थी ना, एग्जैक्टली वैसा लग रहा है भाई। बस पहुंचने वाले हैं 1.2 किलोमीटर, और यहीं पे कहीं पे, अब कहाँ पे, कोई तो सोसाइटी में जाना है। मेरे को गेट पास वगैरह तो आ गया, विपुल ने मैसेज कर दिया था कि भाई ये गेट पास दिखा के आ जाना अंदर, बस अंदर घुसने दे, ऐसा ना बोल दे कि भैया यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, तब तो फिर क्या करूँगा, फिर फ़ोन करके बाहर बुला लूँगा उसको। और यहाँ पे जो भी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी रखते हैं ना भाई, उनको सल्यूट है यार रोड यहाँ के इतने उबड़ खाबड़ भाई, मेरे को ना गुड़गांव में साला BMW में ना इतना झटका फील होता है 340i में। हाँ, यहाँ पे तो सीरियसली भाई रोड में ना पैचेस बने ना, तो भाई यहाँ पे तो ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा। यहाँ पे बेस्ट है कि आप मोपेड रखो या लोकल ट्रेन से, बेस्ट लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। देखो ये अब इसमें हम बनाने की क्या जरूरत थी, यहाँ तो ऑलरेडी आदमी इतना धीरे चल रहा है, यहाँ भी धुरंधर होते होंगे भाई। हाँ, KTM वाले KTM वाले तो कभी धीरे नहीं चलते भाई, KTM वाले इस रोड पे भी उड़ाते हुए जाते हैं भाई। ये बिल्डिंग देख रहे हो, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हाँ, लेकिन बाहर के रोड्स देख रहे हो। मैं अभी विपुल से पूछूंगा भाई, मतलब इतने अच्छे बिल्डिंग, इतने लग्जरियस बिल्डिंग के बाहर ऐसे रोड का फील कैसा आता है। आ जाओ, एकदम बढ़िया, फाइनली भाई, आना अंदर बैठना, आना भाई। एक चीज बता विपुल, अमेजिंग सोसाइटी और उसके बाहर के ऐसे रोड्स कैसा लगता है तुझे बॉम्बे में भाई? दिस इज लाइक यू नो, दिस इज व्हाट यू गेट इन बॉम्बे एंड बट द गुड थिंग इज दिस इज लाइक दीस आर ऑल सी फेसिंग फ्लैट्स। अच्छा, सो दैट्स द ओनली ब्यूटी ऑफ बॉम्बे, बट नॉट द सी फेसिंग। वंस यू गेट आउट ऑफ दिस गेट यू फेस भाई लगता है कि मतलब कहाँ आ गए ये, मतलब गड्ढे देख रहे, खुदे रहते हैं मतलब यार, सीरियसली यार, मतलब यहाँ पे पीछे मतलब बहुत अमेजिंग यार। लेकिन जब मैंने फोटोग्राफ देखा मैंने कहा यहाँ नहीं हो सकता यार, फोटो में तो कुछ अलग दिख रहा था। चले फिर यहाँ से डाले ना। ये वाला लेन हमेशा से ही ऐसा रहा, मतलब हमेशा हैपनिंग सर। इसके अंदर ले लूँ ना या आगे से चलूँ? हम कंफ्यूज हो गए ना, ये लियोपोर्ट लियोपोर्ट कैफे तो ये है ना सामने, ये दिस इज द वे आई थिंक, या से लेफ्ट लेके एंड देन वहां पे हां इधर से अंदर। भाई फाइनली आ गया अपना खाना 5 मिनट में, मजेदार, एंड वी विल डिस्कसिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने क्या-क्या मंगाया? हमने मंगाया है एक लेग पीस, एक भेजा और एक रेशमी कबाब। कुछ ज्यादा नहीं मंगा लिया भाई? चिकन बोला, चिकन, हां पेपर एक और लगा देना भैया चाय। हां भाई ये यहाँ का ना बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे ना गाड़ी के ऊपर बोनट के ऊपर रख के, और हमारा बोनट भी थोड़ा बड़ा है ना, तो उधर उस साइड भी हम तो यहाँ पे ये करने लगेंगे ना। वो भैया ने पर्ची दी थी ना मुझे पार्किंग वाली, तो हम भी खाने का टेबल वाला ना पर्ची एक काटने लगेंगे। दिस इज बिजनेस।
मैं सच्ची बताऊं तो पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा यार, बिल्कुल नहीं भरा। तेरा भर गया मन? बिल्कुल नहीं भाई, सीरियसली हमने बहुत सारा खाना छोड़ा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा ग्रेवी वेवी तो छोड़ दिया भाई। इतना जबरदस्त था ना, इतना जबरदस्त। यहाँ यार डॉग्स क्यों नहीं है यार? है ही नहीं ना। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू वॉश योर हैंड्स गाड़ी पे खाने के बाद। और यहाँ सारी गाड़ियों, आज पता नहीं बीच में विपुल बता रहा है कि ये ना बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, वो बंद क्यों हुआ था पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, बट यहाँ पे मोस्टली ना मुझे लगा था पार्किंग शायद मिलेगी नहीं, बट पार्किंग मिल गई यार। फॉर्च्यूनर लग रही है ये देखने, अच्छा मॉडिफाई किया ना आपने, देखी है कभी ये पहले गाड़ी? नहीं नहीं, इसके लिए तो सर हम लोग रेट लगा निकाल रहे थे लेकिन समझ नहीं आया कौन सी गाड़ी है कौन सी, बाद में भी पता चला टायर से पता चला कि मॉडिफाइड कराया, मॉडिफाइड गाड़ी है। हाँ भाई तगड़ा भाई, देख लो अमन मेरा दोस्त है, भैया मेरे दोस्त का ही दुकान है मॉडिफिकेशन का, उसी ने पूरा मॉडिफाई किया है व्हाइट फॉर्च्यूनर को। हाँ अच्छा किया है, थैंक यू भाई, थैंक यू अमन, बिग थम्स अप टू यू भाई। तो अभी क्या है ना कि थैंक यू विपुल फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरामैन बनने के लिए। तो विपुल से अभी ना बहुत सारी हम ऐसी बातें कर रहे थे, आज जो दिन में हुआ मैं सोता रहा और फिर निकला नहीं, तो वो सारी चीज़ें हैं। द फूड वॉज अमेजिंग और हम यहाँ पे आए तो हम एक बार निर्मन पॉइंट भी जा रहे हैं एंड हम वापस से ट्राइडेंट, आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैं इधर आया था ना, इधर निर्मन पॉइंट में, तो विपुल के शादी में आया था ट्राइडेंट में एंड वी स्टेड देयर एंड फिर अगले दिन फिर वो फॉर्च्यूनर का कुछ हो गया था, फिर वी हैड टू टेक ए फ्लाइट बैक, तो तब आया था मैं। और उसके बाद मुंबई आया तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ही हो गया था, बट इट वॉज अमेजिंग यार। मतलब स्कूल टाइम के बाद हम अब तो चलो फ्रीक्वेंटली एक दो साल में एक बार मिल ही लेते हैं यार, अदरवाइज बीच में तो एकदम ही पता ही नहीं रहता यार आधे लोग कहाँ हैं आधे लोग कहाँ नहीं है, आधे लोग गोलीबाज है ना, मिलते ही नहीं है। अपन आए फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया और देखो गाड़ी क्या मस्त जगह पे पार्क है ना, हाँ क्या मस्त लग रही है यार, यहाँ पे फोटो लेंगे। और ये रहा ताज एकदम मस्त सामने और अपनी गाड़ी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रही है यार। बस पीछे वाला भाई मार ना दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा भाई, एक फोटो लेते हैं यार। हाँ रात में गेड़ी मार रहे हैं ना, बहुत कम ऐसा टाइम होता है ना कि यहाँ पे ना एकदम ही क्राउड नहीं रहता है। आज मंडे इस वजह से हम वी आर लकी क्या? काफी सरप्राइज हूं मैं भी। हाँ कि पार्किंग इधर लगा के और कोई हटाने वाला नहीं भाई। अच्छा फोटो आ रही है भाई की, अरे बहुत सही, यहाँ से कितना सही आ रहा है। हाँ पीछे से जाके ना और भी सही आ रहा है यार, बट पूरा ना एक फ्रेम में नहीं आ पाता। हाँ पूरा एक ये देख भाई को एक बार देखो, भाई ने पूरा फोटो खिंचवाने में मेहनत किया है ना भाई, अभी डालेगा जस्ट बॉट ए न्यू एलसी। एक कॉफ़ी लेने यहाँ पे रुक गए थे, हाँ स्टारबक्स खुला हुआ दिखा। फिलहाल रात के बज रहे 12:11, विपुल को मैंने बोला तू अंदर ही बैठ मैं कॉफ़ी फटाफट लेके आता हूँ, आइस लाते बनवाए मैंने 3 शॉट वाला ताकि रात में और नींद नहीं आए और कल का ब्रेकफास्ट भी मिस हो जाए। क्या अमेजिंग है यार रात के टाइम पे कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग यार। जब बगल में बैठो ना तो आप रिकॉर्ड हर एंगल से कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको सीधा देखना पड़ता है रात के टाइम पे सीलिंग के। वर्थ विजिटिंग यार, कल ब्रेकफास्ट मिस हो जाए कोई गम नहीं है मुझे पता है मिस होने वाला है। चलो जी अब घर का लोकेशन लगा दे, विपुल को ड्रॉप कर दिया घर का नहीं होटल का। हाँ ये फायदा ना, अभी भी रोड क्लोजर भाई 15 किलोमीटर 26 मिनट पहुंच जाएंगे। हाँ मतलब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ओए रुक जा, हाँ तू बड़ा तेज बंद हो रहा है, तेज बन रहा है। चौथा प्लाला चौथा माला। ओ भाई हाँ पता कितना टाइम हो रहा है, 2:20, मतलब सोते सोते अभी शायद वीडियो एडिट भी कर लूँगा, मेरे को नींद तो वैसे आनी नहीं, सुबह पूरे दिन बिस्तर ही तोड़ा मैंने तो। ओ भाई ये कहाँ जा, तो अभी एडिट वेडिट कर लूँगा यार, सुबह का तो ब्रेकफास्ट मिस हो गया भाई अपना, उठ ना पाऊँगा मैं, ये तो समझ गया हूँ कि उठ ना पाऊँगा। वैसे देखो ब्रेकफास्ट यहाँ पे होता है, ये दिख रहा है सामने, दिख तो नहीं रहा होगा अब, दिख रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट। तब सोचो तुम मेरी स्थिति सोचो, जिसके पैसे दिए हैं खा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही मस्त है, बहुत ही लैविश है, बहुत लैविश है। इट्स ओके, कभी कभी अच्छी चीज़ों को मिस भी करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट टाइम आओ फिर इन्जॉय करो। अभी चलते सीधे रूम में और कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। अभी 418 किस साइड है, उस साइड? कट गया ना, कट गया ना, इतना जो पैदल चला बर्बाद गया ना
जो खा के ना कैलरीज बर्न हो रहा है भाई। लॉबी बहुत बड़ा है, पीछे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा लॉबी है। और अभी ना मैं चिल्ला चिल्ला कैसे बात भी कर रहा हूँ, सारा कोई नहीं है, वो तो भैया थे। मैंने कहा ये गलत तो नहीं जा रहे हैं, फिर लगा जा रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट, वेरी ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट, लुक एट द रेस्टोरेंट फ्रॉम हियर, लुक एट द रेस्टोरेंट। हाँ यू गॉट इट, यू गॉट इट। चलो 418 चले और सो जाए। इसकी माँ का किधर है यार? हाँ इधर ही है भाई, बहुत आगे है ना मेरा रूम। मुझे ऐसा लग रहा है प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म पे चलने वाली वो आ रही है, वाइब्स आ रही है। यहाँ से देखो दिख रहे नीचे, हाँ यही है। चलो भैया कर देते हैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप और बहुत सारा प्यार, बहुत सारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करो। लव यू।